तो परंपरा हमारी यही है ना कि भाई हम प्रथम हम गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और गणेश कोई भी शुभ काम होता है तो श्री गणशाय नमः गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर ही हम प्रारंभ करते हैं तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है काशी का बड़ा गणेश यहाँ हम आया आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से आशीर्वाद लेके हम लोग निकल और आगे चल जाइए बाबा काल भैरव को दर्शन कर लई शहर कोतवाल तोवाल से आज्ञा लेवल जाइए ले, बाबा विश्वनाथ के दरबार में थर टेकते हुए फिर रोट अपना डालेंगे फिर रोट डालकर फिर क्षेत्र में लिख लेंगे हमारे पूजा में अंतर ये कि हम काशी के लाल हैं हम काशी में मंदिर में पूजा करते हैं हम कन्याकुमारी या बाकी जगह हम जो भी हम क्योंकि काशी एक ऐसी ऐसा तीर्थ है जो तीनों लोग से न्यारी नगरी है ये बाबा त्रिशूल बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर खड़ी है काशी अविनाशी काशी है तो हमें जो भी पूजा प्रार्थना करनी है आराधना करनी है हम यहाँ करेंगे बाबा के दरबार में और यहाँ का जो जो एक यहाँ की जो पूजा का महत्व है मुझे लगता है कि यहाँ पर बारहों जो तिरलिंग हैं शक्ति पीठ है और सभी हमारे यहाँ के धर्मगुरु सभी ये यह हमारे यहाँ की चीज़ें रही माँ गंगा का पावन तट है तो यहाँ से आशीर्वाद लेकर लेंगे और ये ये निश्चित तौर से जनता के बीच में खड़ा रहने का समय है लोगों से कि सुख दुख में खड़ा रहने का समय है जनप्रतिनिधि मतलब सदैव खड़ा रहे उनके लिए मौन रहना इस समय खास करके जो इस समय स्थितियां हैं वो निश्चित तौर से जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए जनता के लिए जो भी हो सकता है वो करने की ज़रूरत है इस समय